चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। योगिता रंगारी बहन जी, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो अपना कृपया अपना पर्चा दीजिए। योगिता रंगारी जी, योगिता बहन जी, जय भीम नमः बुद्धाय। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बहन जी। जय भीम नमः बुद्धाय मैडम, सबको जय भीम बोले। आज नारी विशेष के लिए हम जो संघ में एकजुट हुए हैं, बहन जी कहना चाहूंगी। मैं नागपुर से बोल रही हूँ और आईटीएम प्रिंसिपल हूँ जी। जय भीम, पानाई में भी कार्य करता हूँ। समाज के कार्यक्रम में हम लोग आगे रहते ही है, हमारे नागपुर के नारी विशेष है, सब महिलाएं कोई भी सामाजिक काम करने के लिए आगे आती रहती है। मैं थोड़ा संघ के इसमें बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए कुछ कहना चाहूंगी। नारी के बारे में जो व्याख्या की है किसी ने, उसके बारे में नारी कौन, जैसे पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए नम्रता, विश्व के लिए करुणा संगिनी वाली महान प्रकृति का नाम नारी है। नारी माने प्रकृति, क्योंकि नारी ही है जो संतान को जन्म दे सकती है, इसलिए नारी सर्वश्रेष्ठ है। यदि महिलाएं एकजुट हो जाए तो समाज के लिए वो क्या नहीं कर सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल अगर है तो कहीं अगर दारू की दुकानें वगैरह बंद करनी है तो महिला ही आगे आती है, यानी अच्छे काम के लिए महिलाएं एकजुट हो जाती है। इसलिए जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने नारी उत्थान के लिए जो कार्य किया है, वो सबसे पहले उन्होंने ही अपनी पत्नी को आगे बढ़ाकर आगे पढ़ाने पढ़ाकर आगे किया है। वैसे ही अगर महिलाओं को आगे लाना है तो सब जो सभी पुरुषों ने भी ये बात याद रखनी चाहिए कि अच्छे जो आदमी लोग है, जो भी पुरुष लोग है, उन लोगों ने अपनी अपनी महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, उनको एकजुट करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करके वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगी। संविधान में महिला और पुरुष दोनों को बराबर के हक दिए हैं, तभी से महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ है। हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने 1952 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए हमारे भगवान भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही है, हमारे ही नहीं सभी महिलाओं के, भारत के सभी महिलाओं के अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, जिन्होंने हमें मनुस्मृति से अलग किया और सबको बराबरी का हक दिलाया। महिलाओं के लिए शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति तरक्की होने पर ही वे समाज के लिए बराबरी का हक पा सकेंगी समाज में। इसलिए हमारे हमारे घर में पति के और पिता के घर में भी संपत्ति का अधिकार बाबा साहब की देन है, वरना हम मनुस्मृति के अनुसार तो बेघरी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उनमें महिलाओं की क्या स्थिति है। इस प्रकार बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरा योगदान दिया है और सभी सभी जो भी चार वर्ण की जो महिलाएं हैं, सवर्ण कैटेगरी की रहेंगी, वो भी सब बाबा साहब की कृपा से ही अभी शिक्षित हुई है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जैसे हमें पढ़ाया, सावित्री माई ने जैसे पढ़ाया, उसके लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन अर्पित किया, अपने घर का सामान पैसा सब समाज को दिया है। इसलिए हमें भी बाई लोगों से ये जो महान स्त्रियां है, सावित्री बाई, जीजाबाई, रमाबाई, उनके त्याग से हमें कुछ सीखना चाहिए। बच्चों को भी सिलवान बनाना चाहिए। आजकल की महिलाओं को थोड़ा टाइम भी रहता है, कोई कोई महिलाएं हाउसवाइफ है, उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है, उनके उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि उनको थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है तो वो सामने आए, हमारे आगे जो पीछे काम पीछे पड़े हैं उनको आगे बढ़ाए। और जैसे महिलाएं भीसी वगैरह डालती है तो वो अपने कार्यक्रम में कोई गेम वगैरह खेलती है, गेट टुगेदर करती है, तो उसमें भी उनका ज्यादा टाइम पास होता है। उसमें अगर अभी देखो तो 14 जनवरी का जो है उसमें तिल गुल बांटती है, हल्दी कुकू लगाती है, तो उसमें भी वो
परंपरा को आगे बढ़ाती है, उसमें अंधविश्वास फैलाती है, उसमें बैठ के उन्होंने जैसे सावित्री बाई का ज्ञान करना चाहिए, उन्होंने कितनी हाल अपेष्टाएं सही है वो बताना चाहिए लोगों को, और बच्चों को शिक्षाएं देनी चाहिए, जिनको जरूरत है जिनके पास ज्ञान है उन्होंने ज्ञान बांटना चाहिए, ये सब उनको समझाने की जरूरत है। इसलिए हम संघ में एकत्रित होके ही सबको अपन बता सकते हैं कि अभी समाज को किस बात की जरूरत है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, अंधविश्वास को भुला कर कैसे हमें सामने आना है। तो समन संघ ही है जो हमें एक करता है, इसमें अपन विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छे वे निकाल कर गुड वे के सामने अपन चल सकते हैं। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है और आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए हैं बुद्ध ने, वो उसका पालन करके ही हमें आगे बढ़ना है। सेल्फ डिफेंस भी हमें बनना चाहिए ताकि महिलाओं को कोई परेशान ना कर पाए, पढ़ाई में कोई मुश्किल या रुकावट पैदा ना हो। आजकल शाम में रात में भी महिलाएं ड्यूटी पे जाती है, उनको आने को टाइम भी होता है, तो घर घर के लोगों का भी हमें सहारा मिलता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जो जो जिनको जिनको जो जो बनता है वो सभी में एकमेक को लेके चलना है, और महिलाओं के उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ना है। अगर महिलाएं सुशिक्षित हो गई तो दोनों ससुराल और महिला दोनों के जो समाज में परिवर्तन वो महिलाएं ला सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी रही तो वो बच्चों को भी बराबर संभाल सकती है। इसलिए उनके उनके ज्यादा जिम्मेदारी है कि उनको हम आगे बढ़ाने में सहयोग करें, उनसे ज्यादा से ज्यादा मदद करें, और जो जो महापुरुष है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद की है, उनका हम इतिहास पढ़े और उनको उनके आदर्शों पर चले, और अपनी फिर से अपनी आजादी मतलब अपनी स्वतंत्रता हासिल करें, और संविधान का पालन करके हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं अपना 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो भीम। साधु साधु साधु, बहुत 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 साधुवाद। बढ़िया। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
साधु साधु।